नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बताएंगे कि कितना हुआ अब तक निर्माण कार्य पूर्ण तथा क्या मिली है परियोजना में बड़ी उपलब्धियाँ, एवं बताएंगे कि कब तक होगा इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण तथा आप कब से कर सकेंगे इस बुलेट ट्रेन में यात्रा। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर वर्तमान सरकारें अत्यंत तीव्रता के साथ कार्य कर रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुलेट ट्रेन परियोजना में प्राप्त की गई उपलब्धियों की। बताने की अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नाडीडात के पास 100 मीटर लंबा दूसरा स्टील ब्रिज भी बीते दिनों लॉन्च कर दिया गया है। 1486 मीट्रिक टन के इस स्टील ब्रिज का निर्माण भुज जिले में स्थित वर्कशॉप में किया गया है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। दोनों नगरों के मध्य 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसकी दायित्व नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL को मिला है। जानकारी के अनुसार गुजरात में सूरत और बिलीमोरा के मध्य ट्रायल रन सन 2026 में आरंभ हो जाएगा, अर्थात लगभग 2 वर्ष और मात्र। बताने की महाराष्ट्र के भाग के लिए पहला नागरिक अनुबंध मार्च 2023 में प्रदान किया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का एक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध नहीं था, कारण आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बताने की रेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि सूरत और बिलीमोरा के मध्य 50 किलोमीटर तक विस्तारित परियोजना का पहला चरण अगस्त 2026 तक समाप्त हो जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इस मुंबई कर्णावती बुलेट ट्रेन परियोजना की संक्षिप्त जानकारी हेतु बता दें कि बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी, जो 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 2 घंटे 58 मिनट में ट्रेन मुंबई से अपनी यात्रा आरंभ करेगी और ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद और कर्णावती में रुकते हुए साबरमती में समाप्त करेगी। इसी क्रम में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए गुजरात में नाडीडात के पास भारतीय रेलवे की वडोदरा अहमदाबाद मुख्य लाइन पर 100 मीटर लंबाई का स्टील ब्रिज लॉन्च किया गया है। जापानी विशेषज्ञों के साथ भारतीय मेक इन इंडिया विजन के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए अपनी स्वदेशी तकनीकी और भौतिक क्षमताओं का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यह स्टील ब्रिज इन्हीं उदाहरणों में से एक है। इसकी अधिक जानकारी हेतु बता दें कि 1486 मीट्रिक टन के इस स्टील ब्रिज का निर्माण गुजरात के भुज जिले में स्थित कार्यशाला में किया गया है, जो ब्रिज लॉन्चिंग साइट से लगभग 310 किलोमीटर दूर है। लॉन्चिंग के लिए ब्रिज को ट्रेलरों द्वारा साइट पर ले जाया गया। साइट पर स्टील ब्रिज को अस्थायी ट्रेलर्स पर भूमि से 15.5 मीटर की ऊंचाई पर असेंबल किया गया। तत्पश्चात 63 मीटर लंबाई और लगभग 430 मीट्रिक टन वाले वजन की लॉन्चिंग नोज पर मुख्य पुल असेंबली के साथ जोड़ा गया। स्टील ब्रिज को हाई टेंशन स्टैंड्स पर उपयोग करके 180 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 2 जैक से इसे खींचा गया। वहीं आपको इस स्टील ब्रिज के निर्माण की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि स्टील के प्रत्येक उत्पादन बैच का मैन्युफैक्चरिंग परिसर में अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा परीक्षण किया गया। इस स्टील ब्रिज का निर्माण जापानी इंजीनियरिंग द्वारा तैयार डिजाइन पर ड्राइंग के अनुसार कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग की उच्च तकनीकी और सटीक संचालन द्वारा किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय वेल्डिंग विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित वेल्डर तथा पर्यवेक्षक को नियुक्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्यशाला में वेल्डिंग प्रक्रिया की मॉनिटरिंग जापानी अंतर्राष्ट्रीय वेल्डिंग विशेषज्ञों अर्थात इंटरनेशनल वेल्डिंग एक्सपर्ट्स द्वारा भी किया जाता है। निर्मित स्टील स्ट्रक्चर चेक असेंबली प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात 5 परत तकनीकी का उपयोग करके पेंट किया जाता है। स्टील गार्डर के लिए अपनाई गई पेंटिंग तकनीक भारत में अपनी तरह की पहली तकनीक है। यह जापान रोड एसोसिएशन के स्टील रोड ब्रिज के संरक्षण के लिए हैंडबुक की C5 पेंटिंग प्रणाली के अनुरूप है। स्टील अलग अलग भागों को जोड़ने का काम
टोर शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स अर्थात TTHSB का उपयोग करके किया जाता है, जिसका उपयोग भारत में किसी भी रेलवे परियोजना के लिए पहली बार किया जा रहा है। यह स्टील ब्रिज बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए तैयार किए गए 28 स्टील पुलों में से दूसरा है। पहला स्टील ब्रिज गुजरात के सूरत में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर लॉन्च किया गया था। इन स्टील ब्रिज को बनाने में लगभग 70,000 मेट्रिक टन निर्दिष्ट अर्थात स्पेसिफाइड स्टील का उपयोग किया जाता है। स्पैन की लंबाई 60 मीटर सिंपली सपोर्टेड से लेकर 130 प्लस 100 मीटर के कंटिन्यूअस स्पैन तक होती है। बता दें कि 40 से 45 मीटर तक वाले प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज के विपरीत इन स्टील ब्रिजों को राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों को पार करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जो नदी पुलों सहित अधिकांश वर्गों के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत के पास 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के मध्य चलने वाली भारी ढुलाई और अर्ध उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए अर्थात सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्टील ब्रिज बनाने की विशेषज्ञता है। अब स्टील गार्डर्स के निर्माण के समान विशेषज्ञ MHSSR कॉरिडोर पर भी लागू की जाएंगी, जिसमें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति होगी। वहीं एक RTI में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से बुलेट ट्रेन आरंभ होने की टाइमिंग के बारे में पूछा गया, तो इस पर NHSRCL की ओर से दिए गए उत्तर में बताया गया है कि 508 किलोमीटर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख का अनुमान सभी कामों से जुड़े टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात ही लगाया जा सकता है। पूर्ण हुए निर्माण संरचनाओं की जानकारी देने हेतु बता दें, यह प्रोजेक्ट अभी भी योजना की गणना अनुरूप ही चल रहा है, जिसमें कि 163 किलोमीटर लंबे पुल, 302 किलोमीटर लंबे खंभे और 323 किलोमीटर लंबी नींव का कार्य पूरा हो चुका है। NHSRCL के सूत्रों ने बताया है कि महाराष्ट्र में भूमि की कठिनाई के कारण वहां के पहले भाग का निर्माण का ठेका मार्च 2023 में ही दिया गया है, अर्थात लगभग एक वर्ष पूर्व, और अब तक पूरी प्रोजेक्ट के लिए भूमि का 100% अधिग्रहण हो चुका है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।